वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, लाइट जा रही है भाई, बहुत ही बढ़िया लाइट जा रही है। वाह जी वाह, वापडा तेरी भी कुछ में कोई फायर मारे। रात के 12 बज रहे हैं इस टाइम, लेकिन आज हमने भाई व्यू चोरी करने है, क्योंकि यार पूरा दिन ना मेरा आज वेट गुजरा है। आज मैं पूरा का पूरा पॉन्च स्टार्स बने हुए थे और लेडीज में बना हुआ था। खैर की कहना सी मैं की गाना मैं सुनना सी मैंने बोल गया। हाँ, तैमूर बेग का मैंने नॉर्थ फाइनेस्ट सुनना है, और इस गाने के अंदर हमें पता चला है कि आसिफ अली को शॉट लिए गए हैं, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे नीचे लिख दिया हुआ था, तो मैंने बता दिया। लेकिन ये गाना बहुत पहले का बना हुआ। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, आज लंबी बकचोदी और लंबी बातें नहीं करते, पहले गाना सुन लेते हैं। यस कमांडो। नहीं फटू की तरह बड़े रैपर मैंने वर्क तू की तरह स्पीकर की तरह तेरी बेबी बज रही थी, मैंने शोज प्ले किए तेरी थई जम रही थी। स्लैप ऑन यू हियर लाइक अ विल स्मिथ, मेरे गेट्स यू रैपिंग एट योर विश लिस्ट। आसिफ अली खाली फीली चिक चिक, गो डू रैपर हड़ा होड़ी डिस विस, कर दिया नेम ड्रॉप उखाड़ लो, आजा नॉर्थ मेरी जान मुझे मार लो। ये एक कोनी काफी हमको डिस है, ये लो शॉर्ट्स लो और बांट लो, तेरी तरह स्टोरीज पे बचता नहीं हूं। किसको हो सकता है, मतलब विल स्मिथ वर्क तो हो गया, लेकिन इसके बाद इसने ये जो बोल दिया ना, ये काफी को है। उमर अंजुम हो सकता है, जितने भी पंगे ले रहे हैं बुंड पंगे किए हैं तैमूर से। उमर अंजुम कह रहा हूँ, तैमूर बेग नॉर्थ का फाइनेस्ट है भाई, ये तो फैक्ट है भाई। नॉर्थ मुझे पता चला हूँ तैमूर बेग की वजह से, 11A 11B ये मुझे पता भी नहीं था। अब मैं लाहौर में बैठ के अगर मुझे नॉर्थ का पता चल गया, तो किसकी वजह से पता चला? तैमूर के बाद पता चला मेरे को, उसके पहले नहीं पता था। सो हाँ, अपने इलाके का नाम बताया। और तैमूर बेग जब से ट्रेंडिंग में आया, लोगों की बहुत गांड फट रही है, एक्सक्यूज मिल चुका हुआ है। तैमूर बेग ने अंजुम जैसा कॉपी या छापा जो भी किया, लेकिन उसका बहाना लेके अब लोग बहुत ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बस अब है, लेकिन यार वो चल रहा है, वो बिक रहा है, जो बिकता है वही चलता है ब्रो। सो हाँ, लेने तेरी बेटी मुझे मैम तेरी, चलो के टाइम जानी वापस करते चेन मेरी। हेलो तैमूर पहचाना मुझे, तेरी बेबी बहन दोनों ही है फैन मेरी। बस चाहिए तो लाइन में लग, पहले तो गालियां बक और नहीं दूंगा फक, और मेरी टीम है साथ और तेरा स्लो है लक्स, और तेरी टीम ही नहीं है ब्रो व्हाट द फक। स्लो है लक्स और टीम ही नहीं है व्हाट द फक, ठीक है ब्रो। अब मुझे इस गाने का हुक नहीं इतना पसंद आया, टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें बीच में ही बोल रहा हूं। दूसरा वर्स फिर हार्ड लग रहा है, हल्का हाथ रखा हुआ तैमूर बेग ने, मैं गारंटी देता हूँ। रहेगा जब हम आएंगे, डिस भी करेंगे, ये गाने भी गुनगुनाएंगे, कुरैशी दोस्त तेरी छाता में क्यों ब्लडी मारेंगे हम, पहले वजह बात में बताएंगे। साल के कमाता रफे ले लेता एक बीट के, 22 ग्राम रखी नीचे मैंने सीट के, हफ्ते में दो बार रिंग रिंग मेरी जान, ब्लैक विडो स्टेन तुझे नशे हो गए वीट के, लाते मारे रफे साउंड करे बीट की, फायर वोकस तुझे धुनी लगे फीट की, द नॉट फाइंड इट कौन मुझे टेस्ट करे बात, ताकि बीफ पे आवाज मुझे पिक करे, धुनी दे दे नाक पे हम तेरे, गुस्से वाले बाप पे हम तेरे, रिस्पेक्ट नहीं है तेरी तू हर जगह दिखता, और एक मैं हूं जो देखता वो लिखता। On the top, तेरी जान तुझसे बेहतर हूँ, किस करेगा तो लेता मैं कह करूँ, नॉर्थ का चेहरा हूँ मैं, कब से कह रहा हूँ मैं, नॉर्थ में रैपर्स बहुत हैं, सबसे पहला हूँ मैं, चल मान लिया पहला है तू, बोल मैं आता है मैं लह तू। लानत पे कितने वर्ड्स तेरे गोस्ट राइट किए, अब कितने सारे राइडरों का चेला है तू। शो से भागा तू, ये बात सारी नॉर्थ जो रास पास कर रहा है ना, ये टीटो पार्टी ये किए लिए इस गाने के अंदर। देखो यार, मेरे लिए खाली गाना वाइब नहीं होता, अगर मैं गौर से सुनो उसके अंदर उसने किया क्या है, वो दस की दिया वो चीज पाड़ी है। आया था लोगों ने तुझे लात मारी मेन स्ट्रीम, पीछे सो लड़के अदाकार, शो से भागा कौन नाम लेंगे आसिफ अली, शो से भागा तू, ये बात सारी नॉर्थ, आया था लोग
वो राफी वाली लाइन मजे की थी जहाँ पे वो कहता है मेरे ख्याल से इसके लिरिक्स नीचे हैं कि नहीं है, और राफी वाली लाइन बहुत टाइट थी ब्रोज गाने के अंदर, वो जिसमें कहता है कि बीट उतने की तू जितने का पता नहीं तेरे साल का करियर राफी पूरी बीट पता नहीं बनाता है, वो लाइन वो थी भाई मेरे को प्रॉपर अब है एक दफ़ा सुना है। एनीवेज मुझे इस गाने का हुक इतना खास नहीं लगा, पहले से दूसरे वर्स मजे का था और तैमूर ने हाथ हल्का रखा हुआ था सिर्फ शॉट लिए और अभी हाथ मेरे ख्याल से आगे बारी आएगा। ये जो बांसुरी का काम इस्तेमाल किया ना, ये ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कार्टून है करेक्टर है वो जो बांसुरी की बांसुरी में जाके चूहे छुए इकट्ठे, मेरे को वो भाई भाई ब्रो ऐसे मतलब बाकी में वो जान डाल दी थी बीट के अंदर। राफी यार बहुत छोटी इस गाने के अंदर मैं देखा जो मुझे राफी की तरफ ज़्यादा मतवजह हो रहा हूँ क्योंकि ऐ वाहिद बंदा है जरा फरासत भी है, वैसे तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट ही हम कहेंगे इनको जो भी हैं डीजे प्रोड्यूसर्स जो भी हैं, लेकिन जोड़ी के तौर पे मैंने अभी तक देखा है वायस के बाद मेरे ख्याल से अभी तक राफे और तैमूर ही हैं जो ऐसे कॉम्बो टाइप जा रहे हैं। भाई वो फ्लैक्स कर सकता है, वो फ्लैक्स रख सकता है इस गाने के अंदर, उसे रखा फ्लैक्स भाई है उसका 11A उसने लेके आया था। नॉर्थ को मैं नहीं जानता था, अगर कराची से बाहर कोई भी बंदा व्यूवर एज ए व्यूवर कोई आर्टिस्ट को सुन रहा है वो नहीं जानता कि नॉर्थ क्या है, नॉर्थ जगह जो थी वो उसने ही बताई 11A 11B। ये भी बीच में जब मेरे का हेजी या हैजी के साथ चला था उसने बीच में बहुत गंदी हरकत की थी यार, वो जो भी मार्शल के साथ शायद की थी, वो आएगा डिस करेगा या नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ इस गाने को ना बहुत सिंपल रखा गया, अभी पिक्चर अभी बाकी है मुझे ऐसा लग रहा है, ये टीजर है बाकी है, अभी बहुत कुछ है बाकी, क्या ट्रेलर है अभी बहुत कुछ है बाकी, एमवी वाला सीन तो कुछ एक दो रेफरेंस थे छोटे मोटे, और आसिफ अली भागा तो था टूपा वाला सीन मुझे याद आता है, भागा था मेरे को याद है भाई। देखो जो बजता है ना वही बिकता है, तैमूर में एक बज भी रहा और बिक भी रहा, और सिर्फ ये नहीं कि इस वजह से कि धूम मचा लो 69 वो काम मजे गया, अल्लाह ऐवी नहीं किसी नु करता समझ रहे हो, ओदा बिक रहे। सो हाँ मिलता रहो किसी अगली वीडियो में, तब तक ले बाबा जी यस कमांडो।